हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बज रहा है सुबह का 4:15 और पापा जो हैं वो सो रहे हैं और हमारी चल रही है निकलने की प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या, पैकिंग वगैरह हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या चल रहा है? क्यों रास्ते के लिए मेथी की रोटी बना रही हूँ। तो लहसुन पड़ता है उसमें? मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे बोल रहा हूँ और ये खट 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 वहाँ पे चल रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से निकलने के बाद। फिलहाल फटाक से मैं 2 घंटे अभी निकलने में मैं रेडी हो जाता हूँ। जब तक ये सारी चीज़ें यहाँ प्रिपरेशन कर ली है, फिर ये रेडी हो जाएगी और फिर हम निकलेंगे, फिर हम आपसे बतियाते रहेंगे। तो हो गए हैं हम सब रेडी और अब निकल रहे हैं। एक्चुअली आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि दीपिका ने अभी अपने ब्लॉग में डिस्कस किया है कि नहीं किया है, लेकिन जब से कल गया है तो उसके बाद पहली बार है हम ऐसे इस तरीके से मतलब बाहर निकल रहे हैं पैकिंग करके। तो जब पैकिंग पूरा कर रहे थे तो दीपिका तो रोने लगी थी। और मेरा नेचर क्या है कि मैं चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, कि अगर याद भी आ रहा है तो मैं दीपिका के सामने बात नहीं करता हूँ ताकि वो फिर इमोशनल ना हो, जल्दी हो जाती है इमोशनल वो। तो जब भी हम पैकिंग करते थे तो देखता था मुझे छोड़ के जा रहे हो ये वो, तो आज थोड़ा सा वो है। बट एनीवेज 3 दिन का सफ़र है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। पापा से मिल लेते हैं, फिर नीचे मम्मी से मिलते हैं, फिर चलते हैं। पापा जा रहा हूँ, ठीक है? 3 दिन आया मुझे, ध्यान रखना, पानी पीने पापा से, ठीक है? बाकी फिर मैं फ़ोन करूँगा आपको। मेरा बैग हो गया तैयार। जब भी हम कहीं से बाहर निकलते हैं तो अम्मी हमें पड़ा हुआ पानी पिलाती हैं। चलो अम्मी जा रहे हैं, खुदा हाँ। अरे 3 दिन में इंशाल्लाह आ जाएंगे हम, 3 दिन में आएंगे, ठीक है? रोम है, पापा का ध्यान रखना, पापा के पास रहो, ठीक है? चलो तो हम लोग निकल चुके हैं। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6:47 और हमारी ट्रेन जो है वो 8 बजे की है, बट वो वहाँ से VT स्टेशन से, तो हमें जाने में अभी 1.5 घंटा लगेगा। और कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको 1/2 घंटे का बफर लेके चलना ही चाहिए, कभी ट्रैफिक मिल जाए। मुंबई में तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक रहता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं मौदहा, ठीक है? मैं अंकित को देख रहा था वहाँ पे, हम मौदहा कितने सारे गेसेस किए गए, कश्मीर जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं मौदहा। एक्चुअली हम बीच में जाने वाले थे जब मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम भी है और दादी का फातिहा भी दिलाना है, तो हम वो भी है। तो पिछले बार तो वो कैंसिल हो गया था किसी वजह से, लेकिन इस बार हम वो कैंसिल नहीं कर सकते थे। सबके टिकट्स हुए थे, सबके साथ में टिकट्स हुए थे, अम्मी पापा भी जाने वाले थे, लेकिन ठंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई है कि बेटी खाला वगैरह अम्मा खुद बोलने लगे कि नहीं पापा को लेके मत आओ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। इस टाइम पे टेम्परेचर शायद कुछ 7 या 8 या 6 ऐसे कुछ है, तो पापा वाकई में बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन फाते दिलाना ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग भी सबा तो अभी गई थी मौदहा, और हम जा रहे हैं आई थिंक शादी के बाद, शादी में हम गए थे, उसके बाद हम एक दिन के लिए गए थे 2019 में, तो ऑलमोस्ट हम 2 साल के बाद हम मौदहा जा रहे हैं, और इसे ठंड के मौसम में, तो यस, और इतनी ठंड में पहली बार जा रहे हैं, यस। और अंकित है हमारे साथ, शूट कर रहा है। प्रतीक कल फ्लाइट से आएंगे, अभिषेक हाँ सॉरी आज फ्लाइट से वो पहुंच जाएंगे, फिर कल हमें सुबह मिलेंगे स्टेशन पे, तो साथ में हम मौदहा जाएंगे वहां से। और अभिषेक जो है वो अपने फ्रेंड के साथ मनाली ट्रिप में गया, तो इसलिए वो नहीं है, और हम लोग हैं अभी निकल चुके हैं, चलते मिलते हैं आगे। हम जा तो रहे हैं लेकिन सबा का बर्थडे भी है, सबा का बर्थडे है तो डी के क्रिएशन से हम केक कैसे भूल सकते हैं, तो वो पिक कर लिया। पहुंचते हमें सही वक्त पे ट्रेन मिल गई और हम बैठ गए, बल्कि उन्होंने डिले कर दिया। 8:25 डिपार्चर है, तो अभी 8:45 हो रहा है, कुछ तो वो इंजन में कर रहे थे, देख रहे थे, तो मुझे लग रहा भाई सब ठीक तो है ना अच्छा। तो बस निकल गए हैं सबा, हम आई थिंक पहली बार ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं सबा के साथ जब से ब्लॉगिंग शुरू की है हमारे शादी के टाइम, नहीं तो पहले हमारे भाई बहुत जाते थे, हां पहले मुंबई जाने के बाद पहली बार कर रही हूं, जब शादी के वक्त भी गए थे तो आप लोग अलग बैठे थे, एक साथ ऐसे पहली बार जा रहे हैं, तो
पास अभी लोग नहीं है, हमको इंशाल्लाह फिर मैं देखो कोशिश करूंगा जब थोड़ी ठंड कम हो जाएगी तो फिर एक बार हम सबको साथ में मैं लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी कुछ खाए पिए, भूख लग रही है, दो घंटा ये सब चलते हैं साथ में लेके। ये क्या है, दूध पाउडर नहीं प्रोटीन पाउडर, कौन सा ये प्रोटीन है, वो खुद नहीं भी आएगी तो वो सही बात, शुगर फ्री चलेगी नहीं ना, मेरा पानी भूल के है ना अभी, रुको जरा। मेरे भी आंखों में नींद भरी है, थोड़ा कुछ खा लूं मैं, तुम खाओगी कुछ नहीं तो खा ले थोड़ी देर बाद, तो मैं अकेला खाऊं खा ले तो मैं भी ले जाऊं, ऊपर क्या नेटवर्क रख दो, अनलिस्ट हो गया तो मुझे दे देना, जगा के देना अगर सो गई होगी, क्यों ब्रेड कैसी होती है गोरी वाइट, बिल्कुल गोरी वाइट, भाभी नींद से जाग गई, अच्छा बना है, बनाया ना अभी उसमें फ्रेश, रोशनी में नींद नहीं आएगी, भाव सही ज्यादा मेरे साइड सही है, बिल्कुल पानी वाली है, कुछ नहीं खाया मैंने, नहीं जरूरी है, तबीयत खराब करके बैठी थी अभी है डाइट के चक्कर में, तो ठीक है चलो, तुम क्या पी रही हो, कॉफी, तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई, सही है, कॉफी पी ली मैंने, बताया तो पोहा खाया, हाँ तो पोहा खाया ना मैंने, अम्मी को मिस कर रहा क्यों, अम्मी अगर ऐसे ट्रेन में होती यहाँ पे, लेकिन फिर वो मजबूर कैंसिल करवाने पड़े, मौसम संतोष भी आने वाला था, विशाल भी आने वाला था, पापा भी थे वहां से, नाजा खाला भी आ रही थी, सब आ रहे थे, लेकिन अभी अम्मी जब नहीं आ रही तो नाजा खाला भी नहीं आ रही, नाजा खाला पौधा नहीं आके नाजा खाला सीधे भोपाल आएंगी, अभी तो तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, आपको तो पता है कि मैं चाय बनवा के पीता हूँ, तो मैं पेंट्री आया था, गर्म है भैया, तो आप सबको तो पता है कि मुझे मतलब जो बनी हुई चाय होती है स्पेशल दूध की चाय बनी हुई होती है, मुझे वो हमेशा पसंद होती है, तो मैं आज यहाँ पेंट्री में आया हूँ, पेंट्री में आए ये भाई सब लोग हैं जिन्होंने मुझे मस्त सी स्पेशल चाय बना के दी है, हम पेंट्री में बैठ के पी रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है भाई, शुक्रिया बहुत, नाम क्या आपका, ओम सिंह,
ये पूरी यहाँ पे पेंट्री जो है वो हैंडल करते हैं, मस्त बिठा के यहाँ पे आराम से चाय पिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, मजा आ गया। तो अभी बहुत सारे लोग मिलने आ गए थे, मैंने तो आपको 5-6 सेकंड क्लिप दिखाई, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट का वो सब लोग यहाँ पे थे, बट स्वीट लोग थे, ठीक है। और अभी ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अभी तो इंशाल्लाह रोज़ ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगा, उसके बाद मैं नया ब्लॉग शुरू करूँगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ब्लॉग में एक स्पेशल इंसान जो मैं आपसे मिलवाऊंगा, जैसे आपने कई बार सुना होगा मेरे ब्लॉग में, हमेशा बोलता हूँ भोपाल में शकील भाई के जिम जाता था, शकील भाई के जिम जाता था, उनको फ़ोन किया मैंने, भाई मैं आ रहा हूँ, मैं भोपाल से क्रॉस होऊंगा, आ रहे हो क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उनसे मिलवाऊंगा। और मैंने उनके हाथों भोपाल की चाय मंगा ली, स्पेशल सी चाय, तो पियोगी नहीं, तो भोपाल से स्पेशल चाय मंगा ली। तो मिलेंगे अभी जल्दी नए वीडियो के साथ, ऑब्वियसली तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार रिस्पेक्ट कीजिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।